भारत के भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचने का राज गहराता जा रहा है। डोमिनिका पहुंचने के वक्त मेहुल के साथ जो महिला थी उसकी मिस्ट्री भी कम नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो महिला मेहुल की गर्लफ्रेंड थी, इस पूरे मामले में उसका क्या रोल था और वो मेहुल के साथ क्यों थी। इस सभी सवालों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस बीच उस महिला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आया है। एक बड़ा सवाल जांच एजेंसियों के सामने मुंह खोले खड़ा है कि मेहुल चौकसी के साथ क्या हुआ। क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लग्जरी वोट पर मौज मस्ती के लिए गया था? क्या उसकी महिला ने मेहुल को अपने झांसे में फंसाया था और इसी के बाद उसे अगवा कर लिया गया, या फिर डोमिनिका पहुंच गया? और सवाल ये भी है कि क्या क्यूबा भागने के चक्कर में उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। जी हाँ, मेहुल चौकसी का एंटीगुआ से फरार होना और फिर दो दिनों बाद डोमिनिका में उसकी गिरफ्तारी, इन सभी को लेकर कई अनसुलझे सवाल खड़े करते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मेहुल डोमिनिका पहुंचा था तब वो वाकई एक महिला के साथ था, यानी उसकी वो कथित गर्लफ्रेंड उसके साथ ही थी। अब ये माना जा रहा है कि ये हनी टेप का मामला भी हो सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि महिला एंटीगुआ में रह रही थी और कुछ समय पहले सुबह और शाम की सैर के दौरान मेहुल चौकसी से उस महिला की मुलाकात हुई थी। वो महिला बेहद आकर्षक और सुंदर है, लिहाजा मेहुल ने उससे दोस्ती कर ली थी। बाद में 23 मई को उस महिला ने मेहुल को मिलने के लिए एक अपार्टमेंट में बुलाया, लेकिन जब चौकसी अपार्टमेंट में पहुंचा तो वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और उसे डोमिनिका ले गया, वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में मौजूद मेहुल के वकील भी उसके डोमिनिका पहुंचने में उस महिला की भूमिका को ही संदिग्ध मान रहे हैं। अब सवाल यही है कि उस मिस्ट्री वुमन का चक्कर क्या है। इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं सामने आई है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ मेहुल के डोमिनिका पहुंचने का खुलासा सबसे पहले एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने किया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।